नमस्ते सत्रकाल केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ अनमशिक आप सब। तो दोस्तों आज हमारे साथ है साहेब और उनकी बीवी। गैंगस्टर की बात क्या कर रहे हो, गए होंगे किसी को ठोकने। चलो अभी इनसे ही बात कर लेते हैं। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। हाय। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज आपकी मूवी रिलीज हो चुकी है, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, खास करके आपकी एक्टिंग को और आपकी टाइमिंग को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू कहूंगा, पसंद आ रहा है। नहीं, नॉर्मली जब हमने बात किया लोगों से तो उन्होंने कहा कि जो आपकी डायलॉग डिलीवरी होती है और जो कॉमिक वे में होती है और फिर सीरियस वे में भी होती है तो उनको काफी पसंद आई। थैंक यू उसके लिए। आपको पसंद आती है, हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं हर किरदार पे, किरदार के हिसाब से मेहनत करते हैं, चाहे वो साहिब का किरदार हो या हैप्पी फिर भाग जाएगी में बग्गे का हो या जो भी हो, तो उस पर मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिलता है। माही, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सब सुबह हमने रिव्यू किया तो सबने कहा कि आपका जो कैरेक्टर उन्हें काफ़ी पसंद आया, बिकॉज आप फ्लिपिंग द कॉइन टाइप थे, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आपको। आई थिंक जिस तरह से ये कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत ही खूबसूरत वैसे लिखा गया है, कोई भी करता तो उसका बहुत अच्छा ही होना था रिस्पॉन्स, मुझे पता ही था। तो ऑल थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड लोगों को पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, जिसकी आप शूट कर रहे थे उस वक्त कोई आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, कोई एक ही सीन ऐसा? गर्मी का मौसम, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, 50 डिग्री का टेम्परेचर राजस्थान में जहाँ हम शूट कर रहे थे, और हम लोग को पूरा अपना रॉयल जो होता है कॉस्ट्यूम्स और वो सारा कुछ पहन के और वो सब करके सीन्स करने पड़ते थे और वो गर्मी होती थी, तो वो याद रहेगा। बाकी तो आई थिंक हम लोगों ने पहला पार्ट भी बनाया, सेकंड पार्ट भी बनाया, थर्ड पार्ट भी है, तो एक टीम होती है, सब लोग होते हैं जिनके साथ आपने काम किया होता है, तो यू एंजॉय। भाई आप? मैं मेरी बैक में काफ़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने शूट की थी ये वाली फिल्म, तो मेरे लिए काफ़ी पेन में शूट किया था, तो मैं काफ़ी पेन में थी उस टाइम, उस शूटिंग के बाद हील्स कई बार पहननी पड़ती थी कई शॉट्स में, तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट रहा। अच्छा, ये चित्रांगा ने ये इस मूवी में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनफॉर्चुनेटली हमें कोई सीन इकट्ठे नहीं दिया गया, लेकिन हमने एक गाना इकट्ठे शूट किया जो लग जा गले का जो किया हमने, तो उस टाइम हमें काफ़ी हमने फन किया शूट करते वक्त। अच्छा, संजय दत्त भी थे इस मूवी में और आपने काफ़ी टाइम बाद उनके साथ अभी कोई मूवी की थी और इसीलिए उनकी बाइक भी आई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, मेरी चौथी फिल्म है उनके साथ, सो इट्स ऑलवेज ग्रेट। उनकी फिल्में देख देख के हम लोग फिल्मों में आए हैं जी, और सब कुछ है, तो बहुत अच्छा लगता है उनके उनके साथ काम करने में, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी किसी और फिल्म के भी साथ में काम करूँ। ओके, जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी आपकी जो हैप्पी फिर भाग जाएगी फिर रिलीज, मतलब आप जो आपकी जो मूवीज है वो काफ़ी सीक्वल्स में आती जा रही है, तो आपने माइंड सेटअप कर लिया कि मुझे सीक्वल्स ही बनाते जाना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग है। आई थिंक मैंने ये फिल्म कंप्लीट की थी और उसके बाद हैप्पी की शूटिंग के लिए गया था, और अब ये फिल्म रिलीज हो गई है, अगले महीने हैप्पी फिर भाग जाएगी आ रही है, तो आई थिंक इट्स जस्ट टाइमिंग कभी कभी ऐसी हो जाती है। जैसे कि आपने हमेशा से सीरियस रोल किया है, कॉमेडी रोल्स, क्या अब कोई ऐसा रोल जो आपका एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो आने वाले टाइम में? कुछ आएगा तो बताएंगे, अभी तो फिलहाल जैसे रोल आते हैं उसके हिसाब से ही मेहनत करते हैं। ओके, माही, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपका जो किरदार है इस मूवी में, आप में और उस किरदार में क्या सिमिलैरिटीज है या दोनों डिफरेंट है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं कोई स्कीमिंग प्लॉटिंग नहीं करती हूँ लाइफ में, ना ही मैं इतनी विकेट हूँ, मैं विकेट बिल्कुल भी नहीं वैसे, तो आई थिंक तभी मज़ा आता है करने में, बिकॉज आप जो नहीं होते और आपको जो वो करना पड़ता है तो उसमें आप उस कैरेक्टर को जी लेते हो कि चलो ठीक है, मैंने यू नो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है वो, इट्स नॉट एन ईजी कैरेक्टर, तो ऐसा नहीं है, तो आई थिंक थोड़ी सी लोनर है मेरे जैसी शायद, उसमें शायद मैं हूँ सेम, बट अदरवाइज आई थिंक नॉट एट ऑल। और जिमी, आप कैरेक्टर में, बिकॉज आप दोनों भी सीरियस रहते हैं रियल लाइफ में भी। नहीं, आई थिंक जैसा इन्होंने कहा कि जो किरदार आप जैसा ना हो उसको निभाने में मज़ा आता है, क्योंकि वो एक चैलेंज हो जाता है आपके लिए कि यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं और ऐसा करना है। आई थिंक एक्टर्स के लिए वो एक चीज़ होती है जिसमें वो
जिसको वो चैलेंज की तरह लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने ये टॉफियां जो सामने रख रखी हैं, ये हम एक अच्छा इस चीज से अच्छा याद है, चलिए हम एक राउंड शुरू करते हैं, गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है सच मीठा होता है। सच मीठा होता है, हाँ, इसमें हमारा सच मीठा होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने वो चीज किया होगा तो आपको खा के उसका रीजन देना है उसके बाद, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कभी किसी मूवी की झूठी तारीफ की हो किसी डायरेक्टर के सामने या फिर कोई भी बंदे के सामने? अगर नहीं है तो नहीं खाना पड़ेगा ना, आज ये नहीं बोलेंगे। नहीं बोला मैंने, आपने? नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन मैं झूठी तारीफ नहीं करती। अच्छा ठीक है, कभी आप सिनेमा हॉल में सो गए हो कोई मूवी देखते देखते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं सिनेमा हॉल अगर नींद आ रही होगी तो क्यों जाऊंगा मैं फिल्म देखने? मतलब कितनी बोरिंग पिक्चरों के देखते ही सो जाता है ना इंसान। नहीं, कितनी भी बोरिंग फिल्म हो मैं फिल्म्स एंजॉय करता हूं। आप भी नहीं सोए? नहीं यार, सोए तो नहीं। नहीं, अच्छा थर्ड क्वेश्चन, शॉपिंग करने के बाद चेंज मांगा चाहे कितना भी चेंज क्यों ना हो। हां जी, चेंज शॉपिंग करने के बाद चेंज जो मांगते हैं वो आपने मांगा है कभी? चेंज क्यों मांगते हैं? हम तो उल्टा करते हैं, हम तो बोलते हैं कि वो चेंज जो है वो चंचन करती रहती है पॉकेट में। हम बोलते हैं भाई चेंज रख लो और वो दूसरा पत्ता दे दो। मैं पैसे काउंट करने में इतनी बुरी हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है अगर मैंने 1,000 रुपया दिया है और उसने अगर 600 तो बस मतलब आपने किया है तो आप एक खाइए ना, इसका मतलब आप खाना पड़ेगा। मैं आपकी जगह होता और अगर सच में बोल रहा होता तो नहीं ना खाना, तो मैं तो 5-6 खा गया होता अभी तक। तो आप खाना पड़ेगा, नहीं आपको ये ऐसा सवाल ही नहीं मेरे को पूछ रहे जिसमें मुझे खाना पड़े, मैं तो मर रहा हूँ खाने के लिए। अच्छा ठीक है, बोल पूछो ऐसा कुछ। कभी को-स्टार के साथ प्रैंक किया हो सेट पे? अब तो खाना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। नहीं दीपे, आपको बता दूँ क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं जो करता हूँ कई बार लोगों को ऐसा लगता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मैं सीरियसली भी कोई बात बताता हूँ तो उनको हमेशा ऐसा लगता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ। अगर मैं इनको बोलूंगा खाना खाओ तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। प्रैंक करते हो? ये प्रैंक है क्या? अगर किसी को गाना गाना, आप मुझे बताओ, आपका शो है, आपके शो पे अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने सुना है आप अच्छा गाते हैं, आप गा के सुनाइए, और अगर आप जेन्युइनली गाते होंगे तो आप गा के सुनाएंगे ना, तो उसमें प्रैंक क्या है आप मुझे बताओ। बट नॉर्मली लोगों को लगता है ना जो नहीं गा सकते आप उनको बोलो कि आप गा के दिखाइए तो प्रैंक हुआ ना, तो प्रैंक करते हैं ये। मगर जो नहीं गा सकते वो ना, जो नहीं गा सकते, जो नहीं गा सकते वो ना, अभी देखो ना मैं जेन्युइन इन्होंने फर्स्ट पार्ट में नहीं गा सकते वो ना, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे मैंने एक थप्पड़ मारने का सीक्वेंस है, इन्होंने मुझे आकर बोला, मैं इनको अच्छे से जानते भी नहीं थी तब, मुझे कहते वो एक्टर। मैं बड़ी देर से कंट्रोल कर रहा था अपने आप को, अब मेरा चाहे नहीं है अब चाहे खाली है, ना मैं खुश हूँ। अब मान गया, कभी किसी होटल में गए हो वहाँ? नहीं, आपको कुछ प्रैंक का कुछ बता रहे, थप्पड़ मारने का? हाँ, थप्पड़ मारने का तो बताइए, बताइए। तो थप्पड़ मारने का सीक्वेंस था, तो मैंने मारा, मैं जोर से नहीं मारा, तो मेरे पास आए, मुझे कहते कि वो एक्टर कह रहा है कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। अच्छा, तो अब जोर से थप्पड़ मारो, भाई को बोलो जोर से थप्पड़ मारे, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। तो मैं गई, मैंने इतनी जोर से मारा कि उनके बेचारों को बर्फ वगैरह मलनी पड़ी बहुत बुरी तरह से, और मैंने उनको बोला आई एम रियली सॉरी आपने लेकिन ऐसा क्यों बोला जिम, कहते मैंने तो बोला ही नहीं था। इमेजिन, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये साइलेंट बॉम्ब है, ये पूरे साइलेंट बॉम्ब है, बिल्कुल सही। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि होटल में आप गए हो और वहां की कोई चीज पसंद आई और आपने ले ली? नहीं, मतलब चोरी? यस, नहीं। कभी ऐसा मतलब हुआ हो कि आप कोई पार्टी में गए हो और वो एकदम नॉर्मल सा ड्रेस पहने हो और आप ही सबसे ज्यादा ग्लो कर रहे हैं? वो तो कई बार हुआ है। ऑकवर्ड मोमेंट? ग्लो कर रही हूं मतलब कि सबसे ज्यादा हैवी ड्रेस? हैवी ड्रेस? यस। ओ मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप किसी जगह पे पहुंचे और ओवर ड्रेस पहुंचे? यस। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वैसी हां जी ओवर ड्रेस
नहीं हम लोग के तो अब कैजुअली ज्यादा होते हैं, हम अंडर ड्रेस्ड हो सकते हैं, ओवर ड्रेस्ड तो मुझे नहीं लगता मेरे जैसा इंसान। अच्छा, कभी किसी को स्टार्ट के बिचिंग की हो? नहीं ना, नहीं मैं लड़कियों में, नहीं मैं लड़की में कभी नहीं, नहीं 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 आपने किए? नहीं मैं तो खाए जा रहा हूँ, मैंने आपको बोला था हाँ हो ना हो मैं तो खाए जा रहा हूँ। इनसे पूछिए तभी ये खा रहे हैं, बिकॉज मन में अंदर है। नहीं बिचिंग आई डोंट थिंक जिमी ऑल्सो डज, नहीं ये मैं इनकी तरफ से मतलब प्रैंक्स करते, मैंने आपको सच्चाई बताई है, लेकिन नहीं ये बिचिंग नहीं करते किसी के बारे में। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं या शहीद भगत सिंह और या फिर चंद्रशेखर आजाद उनके ऊपर, और बायोपिक्स में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं अगर कोई बहुत कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसने कुछ किया हो, अनसंग हीरो जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में जानते नहीं हैं, तो ऐसा भी कोई इंटरेस्टिंग हो तो मैं आई विल बी ओपन। मैं सोचा नहीं कभी इसके बारे में, कर सकती हूँ मैं। आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस हो उनके ऊपर आप बोल सकते हैं? कोई भी एक्ट्रेस, अगर एक्टर के ऊपर कोई बायोपिक बने तो आप किसकी बायोपिक पे काम करना पसंद है एक्टर में? क्योंकि एक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर और फेमस होते हैं, उनके जैसा बट क्या आई लुक लाइक सुचित्रा सेन? अच्छा, तो दैट्स वाई कास्ट मी इन देवडी, बिकॉज पारो, उन्होंने पारो का कैरेक्टर किया था दिलीप साहब के साथ, तो आई थिंक सुचित्रा से। ओके, जाते जाते अपने फैंस को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ तो हिंट दीजिए। आपको तो पता है फिर हैप्पी भाग गई, वो भी हो गया, अब हैप्पी फिर भाग जाएगी 24 अगस्त को है, अभी फिलहाल साहिब बीवी गैंगस्टर जो है वो सिनेमा, मैं अभी नहीं, अभी मैं कुछ साइन करूंगी जल्दी जल्दी कुछ नया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।